सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए डीजीपी बिहार गुप्तेश्वर पांडे कितने सीरियस हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब एक लाइव इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया था कि मैं सुशांत के न्याय के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया था कि भले ही कुछ हो जाए, भले ही मेरी नौकरी चली जाए, लेकिन मैं सुशांत के लिए आवाज उठाता रहूंगा। इतनी बड़ी बात कह दी थी डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने। हमने भी आपको कुछ देर पहले बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को यह फटकार लगाई कि क्यों उन्होंने बिहार के आईपीएस अफसर विनय तिवारी को क्वारंटाइन कर दिया, जबरन उन्हें कैद कर दिया 14 दिन के लिए। यह फैसला गलत है, ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का, देश की सबसे बड़ी अदालत का। इसके बाद डीजीपी बिहार गुप्तेश्वर पांडे ने महाराष्ट्र सरकार से फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनके आईजी के थ्रू मैसेज दिया, इस बात की जानकारी दी गुप्तेश्वर पांडे ने। सुनिए क्या ट्वीट लिखा भी कुछ देर पहले गुप्तेश्वर पांडे ने, आपको जरूर सुनना चाहिए क्या रिप्लाई आया बीएमसी का, ये भी सुनिए। पटना आईजी ने बीएमसी के चीफ को पत्र लिखकर आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटाइन करने का विरोध करते हुए उनको मुक्त करने का अनुरोध किया था, जिसको ठुकरा दिया गया है। बीएमसी ने पत्र का जवाब भी पटना पुलिस को भेज दिया है, यानी हमारे एसपी विनय तिवारी अब 14 दिन तक वहीं कैद रहेंगे। बीएमसी का यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे वो कहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने, मुंबई पुलिस ने पूरे सिस्टम को मजाक बना के रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट तक कह चुकी है कि विनय तिवारी को यूं क्वारंटाइन करना, क्योंकि वो स्पेशल ड्यूटी में थे, फिर भी उन्हें आप क्वारंटाइन नहीं कर सकते, ये फैसला गलत है, इससे गलत संदेश जाता है। बावजूद इसके बीएमसी ने कहा है कि वो 14 दिन तक क्वारंटाइन रहेंगे।